तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आई नो इस वीडियो में काफ़ी डिले हो गया है क्योंकि एक्चुअली मेरे घर में चोरी हो गई थी। मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, सब कुछ चोरी हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी मैं किसी और का लैपटॉप बोरो करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ दिन ऐसे ही चलेगा जब तक मैं नया लैपटॉप ना ले लूँ। तो कीप सपोर्टिंग एंड आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हाउ रेडियो स्टेशन अर्न मनी। जो डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशन होते हैं लाइक रेडियो सिटी, रेड FM और भी बहुत है, आपके बिग FM है, तो ये पैसे कैसे कमाते हैं, ये कैसे सर्वाइव करते हैं और इनकी अर्निंग के जरिए क्या क्या है। तो मेन अर्निंग का जरिया है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो है एडवर्टीजमेंट। तो ये एडवर्टीजमेंट से कैसे कमाते हैं, एक तो होती है रेडियो जिंगल्स, जो आपके जब भी आप कोई शो देखते हैं उसके बीच में एड्स आती हैं, इतने सारे की, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड्स की जो एड आती है उन्हें रेडियो जिंगल्स कहते हैं, तो उनसे डायरेक्ट रेवेन्यू होती है। दूसरा होता है रेडियो जॉकी मेंशंस, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आरजेज होते हैं, वो कोई ना आप देखे होंगे कभी भी शो चलाते हैं वो अपना, कभी कभी वो क्या करते हैं किसी प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं अपने स्क्रिप्ट्स में, सो उसके भी चार्ज करते हैं रेडियो स्टेशन। उसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप्स, जो आपके रेडियो पे प्रोग्राम आते हैं उनके भी हर प्रोग्राम का कोई ना कोई स्पॉन्सर जरूर होता है, आप चाहे सुन लेना चाहे देख लेना, तो उससे भी पैसे कमाते हैं। और भी बहुत छोटे मोटे तरीके हैं, तो बट जो मेजर रिवेन्यू सोर्स है वो है एडवर्टीजमेंट से, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं। अब कह रहे होंगे आप ये एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं पर कितना कमाते हैं ये कैसे पता लगेगा, तो अब जानते हैं एड के रेट्स क्या है। जो रेडियो स्टेशन पे स्लॉट्स बुक होते हैं उनके एड के रेट क्या होते हैं, आपको पता है कि जो रेडियो स्टेशन पे एड्स होती हैं वो 10, 15, 20, 30 ऐसे स्लॉट्स में बुक होती है, मतलब 10 सेकंड से छोटी तो कोई एड होगी ही नहीं। तो जानते हैं उन एड्स का रेट क्या है। मैं हूँ एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की साइट पे जिसका नाम है मीडिया एंड। मेजरली बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती है जो इन रेडियो स्टेशन के टच में होती है, वो उनको एड्स लाके देती रहती है। तो फिलहाल मैंने खोला रेड FM दिल्ली के एड्स के रेट। जो एड्स के रेट है रेड FM दिल्ली के वो क्या है, प्राइम टाइम पे वो क्या कह रहे हैं, 10 सेकंड की एड के रेट है 1400 रुपए, मतलब 10 सेकंड्स की एड के आपको देना पड़ेंगे 1400 रुपए। इसमें इस मीडिया एजेंसी की कमीशन भी होगी थोड़ी और बाकी जाएगा रेडियो स्टेशन की जेब में, अगर आपने प्राइम टाइम पे चलानी है। अगर नॉन प्राइम टाइम पे चलानी है तो आपको आपके एड के रेट है 1200 रुपए, और अगर आपने मिक्स टाइम चलाना है तो आपके रेट है 1280 रुपए, मतलब कि कुछ टाइम प्राइम टाइम पे चलेगी आपकी एड और कुछ टाइम नॉन प्राइम टाइम पे चलेगी, तो उसके आपके रेट पड़ेंगे 1280 रुपए पर 10 सेकंड्स के। उसके बाद क्या है जो मैंने बताया था, आरजे मेंशंस। आरजे मेंशंस क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट आरजे इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं अपने रेडियो स्टेशन पे, जैसे आरजे सचिन के 6000 रुपए, आरजे रॉकी के 6000 रुपए, मतलब सभी आरजे के क्या रेट है 6000 रुपए ही है, मतलब कोई भी आरजे अगर आपका प्रोडक्ट मेंशन करेगा वो चार्ज करेंगे 6000 रुपए पर मेंशन के। उसके बाद स्पॉन्सरशिप टैक्स, एक मेंशन के 1270 रुपए, जैसे कि कोई शो का नाम लिया उसमें उससे पहले आपके प्रोडक्ट का नाम लिया तो एक बार नाम लेने के ही 1270 रुपया, अगर 1 घंटे का शो है उसमें आपका नाम 10 बार ले रहे हैं तो 1270 को 10 बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आती है रोड ब्लॉक ऑल डे, मतलब की हर पूरे दिन में आपकी एड ब्लॉक होगी, पूरे दिन आपकी ही एड चलेगी, उसके चार्जेस है 2,40,000 रुपए पर घंटे के। उसके बाद रोड ब्लॉक प्राइम टाइम के हैं 2,90,000 और रोड ब्लॉक नॉन प्राइम टाइम के हैं 2,40,000 रुपए, मतलब कि अगर पूरे घंटे आपकी एड चलते रहेगी रेडियो स्टेशन पे तो आपको देने पड़ेंगे 2,40,000 से 2,90,000 रुपए। तो आपको पता चल गया रेट्स क्या है। इसी तरह रेडियो सिटी के भी मैंने निकाले थे, रेडियो सिटी के इन्होंने एक्चुअली मंथली पैकेज दे रखे हैं, यहाँ पे लाइक 3,05,000 रुपए ले रहे हैं एक मंथ के। इसमें क्या दे रहे हैं आपको, आपकी एड्स चलेगी 10 सेकंड्स की एड्स पर डे फॉर 1 मंथ, मतलब कि रोज 10 एड्स चलेंगी एक मंथ के लिए, मतलब 300 एड्स आपको मिल रही है 3,05,000 में, ये तकरीबन पड़ गया 1000 रुपये 10 सेकंड्स में। तो इस हिसाब से इन्होंने भी एड दे रखे हैं अलग अलग, रेगुलर ऑप्शंस नीचे आ गए हैं, जैसे कि 10 सेकंड्स के वहाँ पे 1400 थे, यहाँ पे 1130 थे, मतलब रेडियो सिटी की व्यूअरशिप शायद रेड FM से कम हो तो इसके एड के रेट थोड़े कम है। इसी तरह मेंशंस के ऑप्शन हैं, यहाँ भी ये 6000 रुपये पर मेंशन के चार्ज कर रहे हैं। तो ये आपको पता लग गया कि कितने पैसे चार्ज करते हैं। तो ये था कितना पैसा चार्ज करते हैं रेडियो स्टेशंस आपको 10 सेकंड्स की एड के लिए या आरजे मेंशंस के लिए या कोई प्रोग्राम स्पॉन्सर कराने के लिए। अब जरा एस्टिमेट लगाते हैं ये कितना कमा लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 घंटे एक रेडियो स्टेशन को अच्छे से सुना, पूरा ऑब्जर्व किया कि इसमें कितने मिनट गाने चल रहे हैं, कितने मिनट आरजे बोल रहा है और कितने मिनट एड आ रही है। तो मैंने पाया कि हर 1 घंटे के शो में 6 से 7 गाने चलते हैं, जो कि
तकरीबन 3 मिनट का लगा लो आप, एक गाना होता है तो 20 मिनट के आपके गाने चलते हैं, उसमें से 6 से 7 बार आरजे बोलता है, वो भी 1 से 2 मिनट के लिए बोलता है ज्यादा से ज्यादा, तो 12 मिनट आपका आरजे बोलता है। बाकी जो 28 मिनट बचते हैं उसमें सिर्फ एड्स ही एड्स चलती हैं। अगर 28 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो वो बनते हैं 1680 सेकंड। 1680 सेकंड अगर मैं 1000 रुपये कट मान के चलता हूँ एक 10 सेकंड के स्लॉट का, तो 1,68,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं। उसके बाद मैंने आरजे मेंशंस और स्पॉन्सरशिप टैक्स को ऐड नहीं किया। स्पॉन्सरशिप टैक्स तो होते ही होते हैं, क्योंकि आप कोई भी शो देख लीजिए रेड एफ एम पे, उसके हर प्रोग्राम पे कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। उसके अलावा वो कॉन्टेस्ट चलाते रहते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नाम पे, उससे भी बहुत पैसे कमाते हैं। तो ये था 1 घंटे का रेवेन्यू एस्टिमेशन जो मैंने ऑब्जर्व किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 साल में कितना कमाते हैं, तो 1 साल में कितना कमाते हैं ये कहाँ से पता लगेगा आपको? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो चलते हैं किसी रेडियो स्टेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने। तो मेरे पास यहाँ है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की बैलेंस शीट, जिसके अंदर आता है रेडियो सिटी। तो देखते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 15-16 की, तो 15-16 के जो रिजल्ट है वो दिखेंगे आपको यहाँ पे। तो जो उनका रिवेन्यू है एडवर्टीजमेंट से वो है तकरीबन 226 करोड़ रुपए, और जो अदर सोर्सेस को मिला दे तो टोटल बनता है तकरीबन 240 करोड़ रुपीस पूरे साल का। तो 240 करोड़ रुपीस पूरे साल का रिवेन्यू हुआ है रेडियो सिटी को, और ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन से नहीं है, इनके 32 डिफरेंट डिफरेंट सिटीज पे रेडियो स्टेशन हैं, तो उन 32 को मिला के हुआ है। कुछ लोग सोचेंगे सिर्फ एक रेडियो स्टेशन से इतनी कमाई होगी है। अब उसमें से हम इनके एक्सपेंसेस हटा दें तो जो इनकी नेट इनकम आ रही है वो आ रही है तकरीबन 42 करोड़ रुपए, यानी 42 करोड़ रुपीस उन्होंने नेट इनकम कमाई है अपने रेडियो स्टेशन से, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 4 करोड़ थोड़ी कम है। तो इस साल नेट उन्होंने 42 करोड़ रुपए कमाई है। तो नीचे देखेंगे तो डायरेक्टर रिपोर्ट्स के उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं इस साल, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और इससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।